आई नो हो सकता है इस वीडियो के बाद आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करो, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी। पहला कि आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म मैंने क्यों फिल किया, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों के कल वीडियो अपलोड करने के बाद गाइडली पर मैसेज आया कि मैम आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए था क्योंकि आपने एक सीट वेस्ट कर दी है, तो इसको लेकर मैं आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दूर करूँगी। दूसरी बात यह है कि एक फीमेल टीचर को आप लोग क्या क्या फील करा देते हो या क्या मेंटेलिटी आप लोगों ने बना रखी है उसके लिए, तो वो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी, चाहे कोई भी फीमेल टीचर इस टाइम वर्किंग हो या यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ा रही हो, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि मैंने आरबीआई का फॉर्म इसलिए भरा क्योंकि मुझे फॉर्म भरना था, ठीक है, सीरियसली मुझे इसका प्री भी देना है, मेंस भी देना है और क्रैक करना है एग्जाम। इवन एसबीआई पीओ बहुत सारे लोग सेलेक्टेड है, उन्होंने भी ये फॉर्म भरा है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब में उन्होंने भी ये फॉर्म भरा है। क्यों? क्योंकि आरबीआई में हर कोई जाना चाहता है और हर इंसान का मन होता है कि वो इस एग्जाम को क्रैक करे और आरबीआई में जाए, ठीक। और मेरे अटैम्प्ट जो है वो 97 है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला यहाँ पर प्रिपरेशन का क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ फिर ऑफिस का भी काम रहता है तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन स्टिल मैंने यहाँ पर 97 अटैम्प्ट किए। बट इंग्लिश सेक्शन में मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दैली सर्कल से जनरल कैटेगरी से ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना ही लो, और अगर होता है तो मैं मेंस इसका दूंगी डेफिनेटली, ठीक। तो इस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग हटा दीजिए आप लोग कि मैंने ये फॉर्म आपका बर्बाद कर दिया या फिर आपकी एक सीट बर्बाद करी, और आप लोग इस से पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। इस तरह की मेंटेलिटी ना ही रखे तो अच्छा है। वैसे भी मैंने 2021 में कोई भी पीओ का एग्जाम इसीलिए नहीं फिल किया था क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर फिर प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक। बट आरबीआई भरना था क्योंकि मुझे देना था, इसलिए मैंने यहाँ पर फिल किया। अब बात कर लेते हैं कि फीमेल टीचर को लेकर जो आप लोग यहाँ पर करते हो, देखो जब टीचर ऑनलाइन पढ़ाती है या मैं पढ़ाती हूँ, मैं देखती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती हूँ और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 90% लोग मुझे प्यार करने वाले हैं तो 10% क्रिटिसिज्म से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे उन लोगों से कोई मतलब। लेकिन एक जो मेंटेलिटी है जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके अंदर भी मैं कहीं ना कहीं देख रही थी, कुछ लोगों के अंदर जो मतलब क्लासेस फॉलो करते। पहली बात तो ये, एथिक्स की बात आप तब करिए जब आपको तमीज़ हो बात करने की और आपको रेस्पेक्ट हो टीचर की, क्योंकि अगर आप किसी से पढ़ रहे हो तो आपको पहली चीज़ तो बात करने की तमीज आनी चाहिए। इवन आप टीचर नहीं, आप किसी से भी बात कर रहे हो, आपको बात करने का एक लहजा होना चाहिए, ठीक। अपनी बात रखने का भी होना चाहिए, चाहे आपको किसी को बुरा बोल रहे हो उसका भी एक लहजा होता है, ठीक। अब बात आती है क्या कि डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक टीचर को कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए, तो आप कोई नहीं होते बोलने वाले, ठीक है। आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है, ना कि दूसरों की लाइफ में कोई क्या कर रहा है, क्योंकि आपके कहने से वो बदल तो नहीं जाएगा, ठीक। और अगर आप लोग सोचते हो जब कोई एक मेल टीचर है वो अच्छी पर्सनैलिटी के साथ फोटो पोस्ट कर रहा है या फिर ऐसे करके कह रहा है मैं जिम में हूँ, तो आप लोग बोलते हो वाओ क्या बॉडी है, कितना स्मार्ट टीचर है। वहीं अगर कोई फीमेल टीचर अगर अच्छे से रहती है, अगर वो अपने लाइफ स्टाइल को जीती है, तो आप लोग बोल देते हो कि ये टीचर है, इसको टीचर की तरह रहना चाहिए। तो देखो इस तरह की मेंटेलिटी एटलीस्ट आप यंगस्टर होकर मत करिए, ठीक है। पुराने ज़माने के लोगों के समझ में आती है, लेकिन आप अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए कि आप लोग को इस तरह बोलने का कोई हक नहीं है, हर इंसान का रहने का तरीका होता है, तो उस पर बोल आप नहीं सकते हो, ठीक। दूसरी बात यह है कि आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। जैसे कि मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ तो मैं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग में से बहुत सारे लोग रुद्रा के भी स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि मैं अपने काम में 100% देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है एक क्वेश्चन मुझे 3 से 4 बार रिपीट करना पड़ता है, तब भी मैं सबके डाउट लेकर रिपीट करती हूँ, जो कि कोई टीचर नहीं करता, ठीक है। तो आप लोग ऐसे नहीं बोल सकते, और क्वेश्चन भी मैं आपको अच्छे करवाती हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही छोटे मोटे करवा दिए और चलते बन, क्योंकि समझाना मुझे ही पड़ता है। तो इस तरह के काम आप लोग ना करें, ठीक है। और अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है और अगर आपका टीचर है, ठीक है, भले ही आप उससे छोटे उम्र में या बराबर के हो, तो आपके लिए एक रेस्पेक्ट बनती है, क्योंकि मैं हर एक स्टूडेंट से या हर एक इंसान से तमीज़ से बात करती हूँ, तो वही बात आती है गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। और अगर आपको लगता है कि मैम ये आपका चैनल है, आप इस पर यहाँ पर ऐसे वीडियो शेयर करते हो या कुछ, तो मेरा चैनल है, मैं जैसा मन होगा मैं शेयर करूँगी, क्या टीचर को मन नहीं करता। अगर टीचर का मन है वो एक्टिंग करना चाहता है, डांस करना चाहता है, सिंगिंग करना चाहता है, तो उस पर आपका कोई भी कॉमेंट बाजी करने का हक नहीं है कि आप उस पर उल्टे सीधे कॉमेंट करो या फिर ठरकी पने वाले कॉमेंट करो। मैं साफ आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा अपने एथिक्स को संभालिए।